तिमले के पत्ते का बना रखा मम्मी ने तेल लगाने वाला, ये तो इससे ना बढ़िया करके तेल लग जा रहा है इसमें। शुभ प्रभात सभी को, कैसे हो आप लोग। तो मैं पूजा रावत फिर से आई हूँ हल्द्वानी क्षेत्र के पिठोरिया गांव से आप सभी लोग के लिए एक नया ब्लॉग लेके। तो दोस्तों आज कर रही हूँ मैं 2 दिन के गैप के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट, क्योंकि 2 दिन तक थोड़ा सा आवाज़ बैठी थी, जुखाम लग रहा था तो इसलिए आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं करी दोस्तों। तो इसके लिए इस माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। तो अभी हम लोग भी हो चुके हैं रेडी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ऑफिस वाले भी ऑफिस जा चुके हैं, और अभी हम लोग भी जाते हैं नीचे नाश्ता करते हैं। उसके बाद दिन में हम लोगों ने जाना है अपने प्राचीन मंदिर में, जहाँ कालिका मंदिर, जहाँ है आज बहुत बड़ा भंडारा। तो सर्दियों के मौसम में ना हर साल भंडारा लगता है, तो इस बार भी लगा है, और अभी हम दिन में जाएंगे तो आपको ले चलेंगे। तो अभी जाते हैं नीचे दोस्तों, करते हैं नाश्ता और मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। तो मैंने अपना नाश्ता लगा दिया, इसमें है कल रात हमने बनाई थी भांग की चटनी, थोड़ी सी वो बची है, और आलू गोभी की सब्जी, थोड़ी सी दही। जुकाम लग रहा दोस्तों, लेकिन ना मुझे दही के बिना खाना नहीं खाया जाता, तो मैंने थोड़ी सी दही ली है और रोटी। तो करते हैं नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद ना मेरा यहाँ पे बन रही है चाय, तो अभी पापा भी ड्यूटी से आ चुके हैं, तो अभी पापा भी जा रहे हैं एक चक्कर, तो मैं चाय बनाती हूँ। दोस्तों हमने पी ली चाय, और चाय के बर्तन रखने जा रही हूँ पीछे, और नल में आ चुका है पानी, तो पानी भी भर लेते हैं साथ साथ ही। पानी का भी ना हमारे वहाँ कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी हो दादा की तब खोल देते हैं, आज सुबह नहीं खोला तो अभी खोल दिया, तो हम लोग पानी भी भरते हैं साथ साथ। तो जेठानी जी ना पोस्ट ऑफिस आके पसर गई है, इनको ना नींद ही अथा और नींद होगी, नींद। कैसी नींद हो गई ना तुमको, है उठ नहीं रही, ऐसी नींद हो गई पता नहीं कैसी नींद। सुबह सोना, दिन में सोना, रात को सोना, हर समय सोती रहती है, पता नहीं कैसी नींद हो गई तुमको। जो मानने वाले कंघे से बाल बनाती हूँ मैं उसके। तो दगड़ियो मैं नह जानो अपन अंतरा के लिए स्कूल, और आज खाना वाना नहीं बनाना, फिर कि आज जानो भंडारा में अमूल, तो आज खाना वाना नहीं बनाना अमूल, तो मैं नना के लिए भी आनू, और भी बात जो भंडारा में मंदिर में, तो पहले नना के लिए भी हूँ, बोला नंदी दिशा जल मम्मी नह गए हमको नहीं ले गए कभी, पहले जाती हूँ और बच्चों को लेके आती हूँ। हम आगे स्कूल से, और मैं ना क्या बताऊँ, अभी मैं मेडल लाया हूँ, जब हम ना मंदिर से आएंगे तो गाइस हम आपको ना मेडल दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और साइकिल चलाने लग गए यहाँ पे, तो चलते हैं मंदिर और आपको भी दिखाते हैं मंदिर में क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं कालिका मंदिर में, और हमारे साथ आगे से भीड़ जा रही है, देखो ये सारे लोग आए हैं पहला। दोस्तों यहाँ पे ना जेंट्स लोग खाने लग गए हैं भंडारे का, और यहाँ पे लग गई है बच्चों की लाइन। दोस्तों इस साइड खाने लग गए हैं लोग, और अभी ना यहाँ पे बनने लग गई है पूरियां, तो अभी पूरियां यहाँ पे भी बन रही है और वहाँ पे भी बन रही है, तो दो दो जगह पे पूरियां बन रही है अभी। तो हम लोग ना खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, बैठे। तो दोस्तों हमको सबसे पहले मिला है रायता, प्लेट ला दे सुन, और मेरी जिठानी जी की थाली भी लग गई, प्लेट ला दे। तो यहाँ पे ना सब लोग भंडारा लेने लग गए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कालिका मंदिर से घर, और भंडारा वगैरह बहुत अच्छे से हुआ, तो अभी मैं जा रही हूँ चक्कर मायके तक, थोड़ा सा काम है और काबी को लेके जा रही हूँ, तो मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। कौन आया काबू, काबी कौन आया, कौन आया? पापा के आते ही खुशी मतलब चेहरे में, और मम्मी घर में है वो कुछ नहीं, डॉक्टर कुछ लाया है अपने पापा को दिखाने के लिए, क्या लाया है बेटा? ये देखो। तो दोस्तों ये दक्षु देवांश रावत ये जीत के लाए हैं हमारे आज, तो ये ना दक्षु की स्कूल में दौड़ थी, तो उसमें ना दक्षु सेकंड आया,
तो दक्षू को ना ये मिला है और इतना खुश हो रहा है ना आज जब से स्कूल से आया, सबको दिखाने में ही है, दादा दादी को और हम लोगों को और अपने दादा लोगों को स्कूल से आए उनको भी दिखाने लगे, खुश हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। और दिन में से बोला अब पापा और ताऊ बचे हैं, अब मुझे शाम का इंतजार है, बोल कब आएंगे वो लोग, तो पापा को तो उसने दिखा दिया और अभी आएंगे ताऊ तो ताऊ को दिखाएगा। तो बच्चों को तो वैसे भी छोटी से छोटी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो दक्षू को ना ये जीत के बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोगों को भी काफ़ी खुशी हो रही है कि बच्चे ने ये जीता है। तो भले ही छोटा है लेकिन काफ़ी है, क्योंकि पहला है उसका, अभी तो छोटा ही है वो, तो पहली दौड़ में पहला इनाम। तो दोस्तों हमारा सारा काम हो चुका है और अब बचा है हमारा किचन का काम। तो आज ना हम लोग लेट काम कर रहे हैं और टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। तो आज ना 7 बजे का ना हमारी सब्जी कटी है, ना हमने आटा गूंद रखा है, अभी हमारी चाय बन रही है, यहाँ पे चाय लेते हैं फिर उसके बाद काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों आज ना इसमें रखने तो इसमें आलू की तरी आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे और इसमें है आज चावल का आटा। तो दोस्तों ये है चावल का आटा जो कि आज सुबह सुबह पापा पिसवा के लाए हैं। तो ना आज हम लोग चावल के आटे की रोटी नहीं बना रहे, चावल के आटे की रोटी भी होती है तो रोटी नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं चावल के आटे के छौए, जिसको हमारी कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं छौए और गढ़वाली भाषा में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, और हमारी कुमाऊनी में छौए बोलते हैं। तो इसको ना आज चावल के आटे को पीस के, जो ये देखोगे है चावल का आटा, इसको छान के मैं रखूंगी इसमें, ये है मेरा डेक, इसमें रखूंगी, उसके बाद इसमें इसको खूब फेटा जाएगा, खूब घोला जाएगा। जो ज्यादातर जो मेरे वीडियोस में देख रहे हैं वो पहाड़ी लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, जो बाहर के लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, उनको उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इसको छान के थोड़ा सा इसमें फेटेंगे, खूब सारा फेटेंगे, उसके बाद हल्का सा छोटे कटोरे से गेहूं का आटा मिक्स करेंगे, उसके बाद खूब फेटते रहे फिर उसके बाद इसको रख देंगे। उसके बाद बाहर से हमने जलाई आग सक्कड़ में और उसके बाद हम इसमें तवे में, हमारा नॉन स्टिक तवा है तो उसमें और भी अच्छे बनते हैं, अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है सिंपल तवा है तो आप उसमें भी बना सकते हो। तो इसमें ना मैं पहले आटा मिक्स करूंगी, इसमें डालूंगी, उसके बाद इसमें हल्का सा नमक अपने स्वाद अनुसार, मिर्च, हल्दी छोटी थोड़ी सी, धनिया और हरा धनिया भी आप काट के भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आज हमारे बन रहे हैं चावल के आटे के छौए और उसके बाद ना मैंने सुबह की तैयारी भी कर दी, देखो इसमें पालक, तो मैंने ना इसमें पालक को उबालने के लिए रख देती हूँ और कल दिन के खाने में बनेगा पालक का काफा, मम्मी पापा के लिए बनेगा काफा, बच्चों के लिए बनेगी झोली। तो इसको बॉइल करने रख देती हूँ, उबालने के लिए रख देती हूँ और अभी हम लोग पीते हैं चाय। तो ना बोलते बोलते मुझे खांसी भी हो जा रही है, खुली गला और ना अभी भी खरगड़ा है जैसी हो रही गले में, और जेठानी जी यहाँ पे 2 गिलास लेके खड़ी है, 2 गिलास इसके उनके और मेरे ये स्टाइल देखो, उनके और मेरे और मेरे उनके। तो आज ना भंडारे में गए थे, भंडारे का खाना इतना टेस्टी हो रहा था, बहुत ही अच्छा हो रहा था, तो इतनी ज्यादा भीड़, मतलब आज मंदिर में कम से कम मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी, लगा लो उतनी भीड़ तो हमने देखी नहीं, नॉर्मल में मंदिर में नॉर्मल भीड़ तो होती रहती है लेकिन आज इतनी भीड़ थी, वीडियो बनाने जैसा भी नहीं हो रहा था, इस तरह से हल्ला उस तरह से हल्ला ऐसा हो रहा था, मतलब भजन कीर्तन ऐसा हो रहा था, माहौल इतना मतलब भक्तिमय हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था और खाना भी उतना ही टेस्टी हो रहा था, मजा आ गया खाना। तो आज ना हम लोग रावजी लोगों के लिए भी मंदिर से कुछ नहीं लेके आए, घर आके बोल रहे थे मंदिर से कुछ तो लेके आते लेकिन हम लोग कुछ लेके आए, मम्मी के लिए लेके आए थे थोड़ा सा क्योंकि मम्मी घर ही में थी। तो दोस्तों हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे, मिलते हैं आपको चाय के बाद, ये रही चाय। तो दोस्तों मैंने ना इसमें मसाला मिक्स कर दिया, धनिया, लाल मिर्च, नमक ये सब मिला दिया और ये रहा मेरे हाथ में पानी का लोटा, तो मैं इसको ना अब मिक्स करती हूँ और इसको ना जितना ज़्यादा फेटोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज तो हमारे दो ना घर में कब से बोल रहे थे, भैया ही बोल रहे थे वैसे ज़्यादातर भैया और रावजी बोल रहे थे कि चावल के आटे को मम्मी पिसाओ, चावल का आटा पिसाओ और चावल के आटे की वो बनाओ। तो हम लोग ना जाड़ों के टाइम में यही बनाते क्योंकि बाहर से शक्कर जलता है तो सरकार में बनाते हैं हम लोग इसको। तो आज फिर से लग गए अपने यही काम में। तो दोस्तों अभी तो मैं ये आटा गूंथ ही रही हूँ लेकिन ना इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है क्योंकि पकाना पड़ता है अच्छे से पलटा पलटा के, तो अभी तो मैं इसको मैश करती हूँ। तो दोस्तों हमारा ना हो चुका है काम और अभी हम लोग पी रहे हैं फ्रूटी। तो आज ना दक्षू मेडल जीत के लाया है, तो रावण जी ना दक्षू के लिए लाया है फ्रूटी जो उसको बहुत पसंद है और काफी खुशी होती है ना बच्चे कोई चीज जीत के लाते हैं, तो और राव जी लेके आए फ्रूटी तो उसकी भी पार्टी हो गई और साथ में हमारी भी पार्टी हो गई, तो हम लोग ना फ्रूटी पीते हैं। तो दोस्तों हमारे ना यहाँ पे बनने लग गए हैं छौए और अभी पहला रखा है हमने, तो पहला ना हमेशा खराब होता है, पहला हमेशा खराब बनता है, तो इस बार देखते हैं पहला कैसा बनता है, अच्छा बनता है या बुरा बनता है। तो आज ना हम लोग सगड़ में बना रहे हैं और यहाँ पे देखो सब लोग बैठे हैं, हम लोग सगड़ में
सब वेट कर रहे खाने का, और आलू टमाटर की सब्जी अंदर बना दी मैंने, तो बाहर से बन रहे गर्मा गर्म छोवे। तो अभी इसको पलटाने की तरकीब, 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों इन्हें चिपक जाता है, पहला वाला ना हमेशा चिपक जाता है तो खराब ही बनता है। आज देखते कैसा बनता है, पहला हमेशा खराब होता है। ये देखो चिपक गया, नहीं होगा मम्मी हो गया। तो दोस्तों हमेशा पहला ना हमेशा खराब हो जाता है, तो आज फिर से पहला वाला फिर खराब हो गया, तो अब दोबारा ट्राई करेंगे। हमारा ना हम लोग ना सब्जी वगैरह भी यहीं पे ले आए, हम लोगों ने सोचा गर्म गर्म बनाते रहेंगे और खिलाते रहेंगे। तो इतनी मस्त वाली आग जल रही है सगड़ में, और यहाँ पे ना डाल दिया छौवा, तो अभी इसको पकाएंगे। और इसको ना पकाने में भी बहुत टाइम लगता है, उल्टा पलटा के पकाना पड़ता है, क्योंकि कच्चा रह जाता है ना, तो इसलिए इसको पकाना भी पड़ता है। और सगड़ की आग में तो वैसे भी पक जा रहा है अच्छी तरह से। हम लोग रोज बाहर ही बना रहे खाना, हाँ अच्छा लग रहा है बाहर पे बैठ के खाना ना। और सो हमने मडवे की रोटी बनाई थी, वो भी बाहर से ही बनाई। आज हम ये बना रहे चावल के आटे की, तो ये भी बाहर से बना रहे। तो हमारा ना मसाला ये है, ये रहा हमारा मसाला, और यहाँ पे एक डाल दिया इसमें तवे में। और यहाँ पे देखो हम कढ़ाई ले आए, इसके ऊपर इसमें है सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी। तो सब लोग बैठ चुके हैं और सब लोग हम लोग खाते हैं खाना। तो मैं ना भैया के लिए लगाने लगे खाना, जेठू जी के लिए, तो हम जेठू जी के लिए लगाने लगे हैं खाना। तो दोस्तों हम लोग ना गर्म गर्म बनाते जा रहे हैं, और बच्चों को ना हम लोगों ने खिला दिया पहले, तो अब हम बड़ों के लिए बना रहे हैं। इसमें ना थोड़ा सा हमने हरी मिर्ची भी डाली है, तो थोड़ा सा चटपटा भी हो जाएगा। और पहले भैया खा रहे हैं, उसके बाद मम्मी पापा को भी बुलाते हैं। तो ये देखो ये पलटाया, तो ऐसे पलटाते हैं हम। एक बार पलटाओ ये। तो जब ना शुरू शुरू में क्या होता है ना, ये खराब हो जाते हैं शुरू शुरू में ना, एकदम से बनते नहीं है, तो बाद में ना फिर ये लगातार 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 बनते रहते हैं। तो अभी देखो कितनी मस्त तरीके से पक रहे हैं। तो दोस्तों हमारे ना सारे निपट चुके हैं, और एक ये तोड़ दिया, तो एक बचा है इसमें, एक रखा है तवे में, और थोड़ा सा मसाला है यहाँ पे, और इतने सारे बन चुके हैं हमारे। तो लगभग सभी ने खा लिया, अब बचे हैं मैं, मम्मी, दीदी और पापा, तो हम लोग बचे हैं अभी, और बाकी सब लोगों ने खा लिया है। तो गर्मा गर्म सबको खिला दिया, अब हम लोग खाएंगे। तो मम्मी ने ना तेल, इसमें जो तेल लगा रहे हो उसके लिए चम्मच से ना हाथ गर्म हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना, तो मम्मी ने ये देखो क्या बना रखा है, तिमले के पत्ते का बना रखा मम्मी ने तेल लगाने वाला, ये तो इससे ना बढ़िया करके तेल लग जा रहा है इसमें। देसी जुगाड़, इसे बोलते पहाड़ी जुगाड़, सॉरी देसी जुगाड़ नहीं, इसे बोलते पहाड़ी जुगाड़। तो हम पहाड़ी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग भी ना रूम पे आ चुके हैं, और 11:15 बज चुका है, टाइम हो चुका है 11:15। तो बच्चे भी सो चुके हैं, देखो ये, तो दक्षु सो चुका है, क्योंकि दक्षु को ना दिन में सोने का टाइम नहीं मिला, और आज थक भी चुका है, तो काबी नहीं सोई, काबी को सुलाती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, तो मिलते हैं कल को। तो बाय बाय, गुड नाइट।